जय माता जी। मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी, स्वागत है मेरे YouTube Facebook चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं साप्ताहिक यानी वीकली राशिफल 8 जुलाई से 14 जुलाई तक क्या होगी 12 राशियों की स्थिति, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस सप्ताह के ग्रह गोचर पे नज़र डाल देते हैं और ग्रह गोचर से जीवन में क्या उथल पुथल मचेगी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो 9 जुलाई को बुधदेव अश्लेषा नक्षत्र के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, शुक्रदेव पुष्य नक्षत्र के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो 9 जुलाई के बाद से शेयर में आपका एकदम से गिरावट आएगी। यदि आप कम्युनिटी मार्केट में, तो सोचकर 9 जुलाई के बाद पैसा निवेश कीजिएगा। साथ ही साथ बाढ़, भूकंप, भूस्खलन की घटनाएं बढ़ जाएगी, यानी 9 जुलाई के बाद से 13 दिन थोड़ा सा डेंजरस रहने वाले हैं। इसी प्रकार से 12 जुलाई को देखा जाए तो मंगल वृषभ राशि के अंदर प्रवेश करेंगे, व्यापार में तेज़ी आएगी। जो भी आप काम करते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित या फिर मार्केटिंग से संबंधित काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से काम करते हैं, तो आपके काम में तेज़ी आने के योग बनते हैं। 13 जुलाई को गुरु रोहिणी नक्षत्र के तृतीय चरण में चले जाएंगे, यानी कि ये सब ग्रह नक्षत्र एक हफ्ते के अंदर चेंज होने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं मेष राशि के बारे में। तो मेष राशि का सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में और उनके फोकस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इस सप्ताह यानी 8 से 14 जुलाई में मेष राशि का फोकस अपने परिवार पे, भाई बहनों पे या अपने रिलेशन को सुधारने पे रहेगा। अपना फोकस संतान के रुके हुए काम, संतान पे आपका फोकस रहने वाला है। स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो हल्के फोड़े फुंसी की समस्या है, थोड़ा बहुत गुरु क्रोध की समस्या है। अनदर ये जो सप्ताह है आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। धन के बारे में अगर हम चर्चा करें तो धन की स्थिति ये जो सप्ताह है इसमें मिश्रित फलदायक रहेगी। यानी देखा जाए 8 जुलाई से लेकर और 11 जुलाई तक धन की स्थिति बहुत ही अच्छा है, धन का फ्लो काफ़ी अच्छा है। जो भी आप मेहनत करेंगे उसका अच्छा प्रतिफल मिलेगा। और उसके बाद 12 जुलाई से 14 जुलाई तक आपका धन कहीं खर्च होता हुआ भी नज़र आ रहा है, या तो मंदिर, पूजा पाठ, धार्मिक कार्य या डोनेशन में आपका धन खर्च होता हुआ नज़र आएगा। यानी ये सप्ताह मिश्रित फलदायक रहेगा फाइनेंस के लिए। परिवार की स्थिति के बारे में बात करें, शुक्र और बुध बैठे हैं तो इस सप्ताह परिवार में कहीं जाने की जो योजना आप बना रहे थे वो कैंसिल या डिले हो सकती है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। बाकी परिवार की स्थिति अच्छी है, छोटों से हल्की फुल्की बहस हो सकती है। बात करें रिलेशनशिप के बारे में तो रिलेशनशिप के लिए ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है आपका। पहले तो रिलेशनशिप के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र केंद्र में बुध के साथ में बैठे हैं, तो हल्की मिलकी छोटी मोटी झड़प भी सप्ताह रहेगी, यानी छोटा मोटा मनमुटाव रहेगा। काम को लेकर आपका पार्टनर दायित्व को लेकर थोड़ा बिजी रह सकता है, और जिम्मेवारी को लेकर आपसे किसी बात को लेकर या परिवार के किसी सदस्य को लेकर हल्की फुल्की झड़प हो सकती है। वीकेंड में आप पार्टनर के साथ में हल्की फुल्का मॉल या रेस्टोरेंट जा सकते हैं। वीकेंड में ज़्यादा बड़ी यात्रा नहीं है, लेकिन ये सप्ताह हल्की फुल्की झड़प यानी ये सप्ताह रिलेशनशिप नॉर्मल रहेगा। करियर के बारे में बात कर लेते हैं, मेन फोकस यहाँ पर शनि वक्री हो गए हैं, तो इस सप्ताह वर्क का लोड तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रहेगा। नई जिम्मेवारी आपको प्राप्त हो सकती है, किसी मित्र की सलाह से आपको कोई लाभ हो सकता है, यानी इस सप्ताह करियर आपका अच्छा है। बात करें वृषभ राशि की तो ये सप्ताह 8 से और 14 जुलाई के बारे में, सबसे पहले आपकी हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ में मुंह से संबंधित इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, मुंह में दांत की समस्या, मुंह से संबंधित, माउथ से संबंधित या फेस से संबंधित थोड़ी प्रॉब्लम इस सप्ताह रह सकती है। इस सप्ताह आपका फोकस प्रॉपर्टी खरीदने में या प्रॉपर्टी के रेनोवेशन कराने में, प्रॉपर्टी से संबंधित किसी काम में आपका इस सप्ताह फोकस रह सकता है। फाइनेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर मिथुन राशि के सूर्य बैठे हैं, यानी कहीं ना कहीं कोई बड़ा व्यक्ति से या बुजुर्ग व्यक्ति से आपको कुछ धन लाभ इस सप्ताह मिल सकता है। किसी बड़ी कंपनी से प्रयास करने से आपको अच्छा धन लाभ मिल सकता है। कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट या सरकारी कुछ लाभ आपको इस सप्ताह मिल सकता है, क्योंकि द्वितीय भाव में वृषभ राशि के सूर्य विराजमान है, तो फाइनेंस की स्थिति इस सप्ताह अच्छी है। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी मंगल है, मंगल 12वें भाव में बैठे हैं, यानी कि ये सप्ताह
पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका के लिए नॉर्मल रहेगा। आपका पार्टनर को हेल्थ के लिए किसी डॉक्टर पे चेकअप कराने जाना पड़ सकता है या डॉक्टर को आपको दिखाना पड़ सकता है अपने पार्टनर को, यानी हल्का फुल्का चेकअप है या दांत का कुछ ट्रीटमेंट हो सकता है आपके पार्टनर का। यानी कि वैसे तो आपके पार्टनर की सप्ताह हेल्थ ठीक है। करियर के बारे में आपके पार्टनर की बात करें तो करियर में आपका पार्टनर भी बिजी रहने वाला है, यानी दाम्पत्य जीवन भी सप्ताह ठीक है क्योंकि मंगल बारहवें में है। करियर के बारे में बात करें तो शनि दशम भाव में कुंभ राशि में दिग्वली स्थिति में बैठे हैं, तो करियर में दो बड़ी घटनाएं भाई इस सप्ताह वृषभ राशि की हो सकती है। पहला अगर देखा जाए तो आपको नई नौकरी का ऑफर आ सकता है या नौकरी में कहीं अप्लाई किया है तो वहां से कोई रिजल्ट कोई जवाब आपको आ सकता है। दूसरा देखा जाए तो आपको ट्रैवलिंग इस सप्ताह करनी पड़ सकती है, बाजार के चक्कर इस सप्ताह आपको काटने पड़ सकते हैं। काम में कुछ अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट पॉजिटिव वाइब आपको मिल सकती है, यानी ये सप्ताह करियर के लिए बहुत अच्छा है। बात करें मिथुन राशि की तो ये सप्ताह यानी 8 से और 14 जुलाई तक सूर्य आपके लगन में बैठे हैं, यानी इस सप्ताह आपको कोई सम्मान मिल सकता है, किसी बड़ी सेलिब्रिटी से आपकी मुलाकात, किसी बड़े राजनेता से आपकी मुलाकात हो सकती है। ये सप्ताह आपका सामाजिक सप्ताह रहेगा, सामाजिक कार्यों में आप लिप्त रहेंगे। फाइनेंस के बारे में बात करें तो दो बड़े धन लाभ आपको इस सप्ताह मिल सकते हैं, एक तो विदेश से कोई गिफ्ट या विदेश से कोई आपको शुभ धन संबंधी या काम संबंधी कुछ शुभ सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। दूसरा देखा जाए तो परिवार का भी किसी वस्तु के क्रय विक्रय से आपको लाभ हो सकता है। फाइनेंस की स्थिति इस सप्ताह बहुत अच्छी है। करियर के बारे में बात करें तो करियर के अंदर यहाँ पर राहु बैठा है, यानी कोई व्यक्ति आपके लिए ऑफिस के अंदर षड्यंत्र रख सकता है, किसी की बातों में इस सप्ताह आपको आने की आवश्यकता नहीं। वैसे करियर इस सप्ताह वेल एंड गुड है, बस किसी की बातों में बिल्कुल ना आए, याद रखिएगा किसी के कहने पर कोई भी बुरा काम या कोई भी काम नहीं करना याद रखिएगा। रिलेशनशिप के बारे में हम बात कर लेते हैं तो रिलेशनशिप इस सप्ताह आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। हाँ, आपका पार्टनर या के साथ में इस सप्ताह या तो आप किसी तीर्थ में या किसी मंदिर में किसी आश्रम में आप जा सकते हैं, कहीं आप डोनेशन कर सकते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा आपका पार्टनर पूजा पाठ धार्मिक कृत्यों में बिजी रहने वाला है, रिलेशनशिप अच्छा है। बात करें कर्क राशि की तो ये सप्ताह पहले तो शुक्र और बुध आपके ही लगन में बैठे हैं, यानी कि ये सप्ताह आपको एक शुभ सूचना और एक अशुभ सूचना आपको मिलेगी। पहले मैं शुभ सूचना के बारे में हम बात कर लेते हैं तो इस सप्ताह मित्र से संबंधित या आपके भाई बहन से संबंधित आपको कोई शुभ सूचना मिलने वाली, यानी आपके परिवार से संबंधित या अपनों से संबंधित कुछ शुभ सूचना 8 से 14 जुलाई के बीच में कर्क राशि को मिलेगी। अशुभ के बारे में बात करें तो इस सप्ताह कोई डील आपकी कैंसिल हो सकती है, ऐसा योग भी इस सप्ताह बन रहा है, यानी कुछ ना कुछ पुराने किए गए काम में विफलता नज़र आ रही है। फाइनेंस के बारे में बात करें तो इस सप्ताह चंद्रमा कहीं ना कहीं धन भाव में बैठा है। जब भी चंद्रमा धन भाव में बैठते हैं पहला तो स्त्री क्लाइंट से आपको बड़ा लाभ होने वाला है, यानी स्त्री क्लाइंट आपको कोई ऑर्डर कोई अच्छा खासा धन लाभ दे सकती है और काम के लिए आपकी नदी समुद्र या पानी की यात्रा भी इस सप्ताह हो सकती है। फाइनेंस के लिए ये सप्ताह काफ़ी अच्छा रहने वाला है, बस प्रयास करना है। बात करें दाम्पत्य जीवन की तो दाम्पत्य जीवन कर्क राशि का आधा अच्छा है आधा खराब है, यानी 8 तारीख से और 11 तारीख तक देखा जाए तो पार्टनर के साथ में सब कुछ नॉर्मल है, पार्टनर अपने काम में बिजी आप अपने काम में बिजी सब कुछ नॉर्मल रहेगा। 12 तारीख से और 14 तारीख तक पार्टनर से किसी बात को लेकर बहुत बड़ा मनमुटाव हो सकता है, बहस हो सकती है, पार्टनर रूठ सकता है या आपको ही पार्टनर की बातों से बुरा लग सकता है, आप ही रूठ सकते हैं, यानी आधा दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा है और आधा खराब है। करियर के बारे में बात करें करियर में मंगल दशम भाव में बैठे हैं, रोचक योग बना रहे हैं तो करियर के लिए यह सप्ताह अच्छा है, प्रयास करने से आपको बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। इस सप्ताह अगर आप नई नौकरी ढूंढ रहे हैं तो प्रयास कीजिएगा, आप काम में सफल होंगे। व्यापार करते हैं तो आपको क्लाइंटों को फोन करना है, कुछ आप इस सप्ताह मार्केटिंग करने वाले हैं अपने काम को बढ़ाने के लिए, वो आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा, यानी ये सप्ताह योजना वाला रहेगा, योजना बनाएंगे तो जीवन में आविष्कार होगा और आविष्कार होगा तो चमत्कार होगा मित्रों। इसी प्रकार से सिंह राशि के बारे में बात करें
तो सबसे पहले इस सप्ताह आपका जो फोकस होगा अपनी हेल्थ पे रहने वाला है। इस सप्ताह आपके अंदर कोई नया शौक जागृत हो सकता है, आप कोई नई चीज़ नई क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। यानी कुछ ना कुछ आपके अंदर चीज़ें पढ़ने लिखने या कुछ ना कुछ नई कला सीखने वाला है, इसका योग नज़र आ रहा है। फाइनेंस के बारे में बात करें तो ये सप्ताह भाई सिंह राशि का ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। 8 से 14 जुलाई में 3 बड़े खर्चे आपके रहेंगे, यानी कि पहला कोई वस्तु खराब होगी उस पर आपका खर्चा होगा, दूसरा अगर देखा जाए तो आपको मित्र या परिवार की ना चाहते हुए भी धन आपको इस सप्ताह उधार देना पड़ सकता है, तीसरा अगर देखा जाए तो कुछ आपने जो निवेश किया हुआ है उसमें भी आपको कुछ नुकसान हो सकता है, तो फाइनेंस के लिए ये सप्ताह अच्छा नहीं है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप के लिए मिश्रित फलदायक रहेगा। पहला 8 तारीख से लेकर 10 तारीख तक आपका पार्टनर स्वास्थ्य से संबंधित परेशान रहेगा, हाथ पैरों में सर दर्द की परेशानी पार्टनर को लगी रहेगी या फिर पार्टनर से आपके विवाद रहेंगे। 11 तारीख से लेकर और 14 तारीख के बीच में स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है, आपका पार्टनर अपने काम में बिजी और आप अपने काम में बिजी, यानी मिक्स मैच रहेगा। करियर के बारे में बात करें तो बृहस्पति यहाँ पर बैठे हैं, तो करियर में इस सप्ताह आपके कार्यालय में आपके संस्थान में कोई पूजा पाठ हो सकती है, ऑफिस मित्रों के साथ में आप किसी तीर्थ यात्रा में या धार्मिक मंदिर में जा सकते हैं। करियर के लिए ये सप्ताह अच्छा है, आपको प्रोजेक्ट चेंज किया जा सकता है, स्थान परिवर्तन के आपके योग बनते हैं, यानी करियर के लिए सप्ताह नॉर्मल है। कन्या राशि के बारे में बात करें तो सबसे पहले कन्या राशि के हेल्थ के बारे में बात करें तो अचानक हाथ पैरों में दर्द, पीठ में दर्द या कमर में दर्द की समस्या इस सप्ताह उत्पन्न हो सकती है, इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, थोड़ी सी दवाई लेनी पड़ सकती है। और फाइनेंस के बारे में कन्या राशि के इस सप्ताह के बारे में बात करें तो इस सप्ताह छोटे छोटे लाभ आपको मिलेंगे। पहला रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, यानी कि जो धन किसी से लेना था वो आपको इस सप्ताह प्राप्त होगा, और हल्का मुल्का आपको इन्वेस्ट में या शेयर में कुछ लाभ हो सकता है, यानी छोटे लाभ हैं लेकिन 2 बड़े लाभ आपको प्राप्त होंगे। साथ ही साथ रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो यहाँ पर सप्तम भाव में राहु बैठा है, इस सप्ताह आपका पार्टनर आपकी कोई बात नहीं मानने वाला, आपका पार्टनर आप पे डाउट करेगा, आप पे शक करने वाला है, आपकी हर बात में पार्टनर को संदेह होगा, डबल वेरिफिकेशन आपकी रहने वाली है, तैयार रहिएगा। कोई भी पार्टनर से इस सप्ताह झूठ मत बोलिएगा, नहीं तो पकड़ा जाएगा और आप परेशानी में फंस सकते हैं, तो पार्टनर से सच बोलिएगा ये याद रखिएगा। यानी ये सप्ताह आपका रिलेशन संदेह वाला रह सकता है। करियर के बारे में बात करें तो करियर में बहुत अच्छा है, सूर्य आपके दशम भाव में बैठा है, कोई सरकारी काम का आपको लाभ प्राप्त हो सकता है या फिर बॉस के द्वारा आपका किसी बड़े काम में चयन हो सकता है, बॉस आपके काम की तारीफ़ करने वाला है, यानी ये सप्ताह आपके लिए बहुत लाभकारी है, आपकी यश पराक्रम में वृद्धिदायक ये सप्ताह रहने वाला है। बात करें तुला राशि की तो तुला राशि के लिए ये सप्ताह के बारे में बात करें, पहले उनके फोकस और हेल्थ के बारे में जान लेते हैं। तो इस सप्ताह आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, बस थोड़े से आप इमोशनल हो सकते हैं, मूड स्विंग की प्रॉब्लम इस सप्ताह आपको रह सकती है। आपका फोकस धन कमाने में या पैसा इन्वेस्ट करने में, कहाँ मेरा पैसा दुगना हो जाए, कौन सा शेयर मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, यानी कुछ ना कुछ लाभ कमाने में आपका फोकस रहने वाला है। बात करें आपके फाइनेंस के बारे में, धन के स्थिति के बारे में, ये सप्ताह 8 तारीख से लेकर और 14 जुलाई तक अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं रोचक योग बन रहा है, यानी इस सप्ताह आपको मार्केटिंग करने से बड़ा धन लाभ प्राप्त होगा, अपने प्रोजेक्ट को बेचने के लिए आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी तो आपको अच्छे खासे ऑर्डर और अच्छा खासा धन लाभ होगा। ये सप्ताह आपके धन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट जरूर लगाने पड़ सकते हैं इस सप्ताह, लेकिन आपको अच्छा खासा धन लाभ भी होता हुआ नजर आ रहा है, आपको रेंटल इनकम में वृद्धि होगी, आपको इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होगी, किसी वस्तु के क्रय विक्रय से इस सप्ताह तुला राशि को एटलीस्ट वृद्धि होने वाली है, यानी धन के लिए ये सप्ताह अच्छा है। बात करें रिलेशनशिप के बारे में तो रिलेशनशिप के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा रहेगा, आपका जो पार्टनर है वो अपने काम में बिजी रहेंगे, आपका पार्टनर आपको करियर से संबंधित कोई खुशखबरी सुना सकता है, आपका पार्टनर कोई वाहन कोई एसेसरी इस सप्ताह खरीद सकता है, वैसे ये सप्ताह रिलेशनशिप के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। बात करें करियर के बारे में तो करियर में 2 बड़ी घटनाएं इस सप्ताह तुला राशि की हो सकती है, क्योंकि दशम भाव में शुक्र और बुध दोनों विराजमान है। पहला
आपको विदेश से संबंधित कोई ऑर्डर मिल सकता है, विदेशी व्यक्ति से कुछ लाभ इस सप्ताह आपको मिल सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। सरकारी किसी काम का आपको लाभ हो सकता है, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट, सरकारी रुका हुआ फंसा हुआ काम आपका बन सकता है, साथ ही साथ कोई आपको बड़ी कंपनी से अच्छा खासा लाभ हो सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। यानी करियर के लिए ये सप्ताह तुला राशि का बहुत लाभकारी है। इसी प्रकार से आप वृश्चिक राशि के बारे में बात करें तो वृश्चिक राशि की सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपकी हेल्थ अच्छी है, लेकिन थोड़े हल्के फुल्के एलर्जी की समस्या, सर दर्द की समस्या वृश्चिक राशि को हल्की फुल्की रह सकती है। इस सप्ताह आपका फोकस आपके काम को बढ़ाने में होगा, काम पे आपका या पेंडिंग काम निपटाने में वृश्चिक राशि का फोकस रहेगा। फाइनेंस के बारे में बात करें तो इस सप्ताह फाइनेंस की स्थिति मध्यम रहेगी, यानी धन का फ्लो 8 से 14 में अच्छा है, नॉर्मल है, लेकिन धन आपका दान धर्म में, रिलेशन में, परिवार पे आपका खर्च होता हुआ भी नज़र आ रहा है, यानी धन आपका इस सप्ताह मोटा खर्च होगा। इसी प्रकार से करियर के बारे में बात करें तो करियर में आपको कोई बड़ी डील आपको इस सप्ताह मिल सकती है, आपको प्रयास जरूर करना पड़ेगा, दूसरे क्लाइंटों की बुराई जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन आपको मार्केटिंग करने से बड़ा लाभ होगा। तो इस सप्ताह अपने काम को, अपने को मार्केटाइज करने में आपको लाभ होगा, आपको कोई ना कोई बड़ी डील, किसी की रुकी हुई डील या किसी की तय की गई डील तोड़ने में आप कामयाब होंगे, आपको डील मिलेगी क्योंकि रोचक योग बना हुआ है। इसी प्रकार से रिलेशनशिप के बारे में अगर हम बात करें तो इस सप्ताह आपका पार्टनर दो बड़े खुशखबरी आपको दे सकता है। पहली अगर खुशखबरी के बारे में बात करें तो उनके माता पिता भाई बहन से संबंधित आपका पार्टनर आपको कोई खुशखबरी देगा। दूसरा, पार्टनर के साथ में आपका वीकेंड के अंदर कोई पार्टी, या तो पार्टनर आपको पार्टी देगा या आप पार्टनर को पार्टी देने वाले हैं, या वीकेंड में हल्का फुल्का घूमने के जाने के योग भी इस सप्ताह बन रहे हैं, और पार्टनर के साथ में मंदिर में जाने के योग भी बनते हैं, और पार्टनर बड़ा धार्मिक भी सप्ताह रह सकता है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की, तो धनु राशि के लिए ये सप्ताह सबसे पहले उनकी हेल्थ के बारे में बात करें तो शुगर की प्रॉब्लम आफ्टर 35 से ऊपर वाले उनको इस सप्ताह रह सकती है, गले की ENT की प्रॉब्लम इस सप्ताह भाई धनु राशि को रह सकती है, अदरवाइज ठीक है। आपका फोकस देखा जाए तो इस सप्ताह काम में रहेगा। दूसरा, इस सप्ताह आपका ज़्यादा प्लानिंग कहीं मंदिर में दर्शन की या कुछ इस तरह में भी आपका फोकस रहेगा कि मुझे उस सिद्ध मंदिर में दर्शन करने जाना है। फाइनेंस के बारे में अगर हम बात करें तो इस सप्ताह फाइनेंस बहुत अच्छा है आपका। देखा जाए तो 8 तारीख से लेकर 10 तारीख तक पहला तो आपका फाइनेंस मध्यम रहने वाला है, उसके बाद 11 तारीख से 14 तारीख तक अचानक कोई बड़ा धन लाभ आपको प्राप्त होगा, साथ ही साथ जान पहचान वालों से भी कुछ लाभ होता हुआ या पुराना धन आपको 11 से 14 के बीच में मिलेगा। बात करें रिलेशनशिप के बारे में तो रिलेशनशिप में सूर्य बैठे हैं तो आपके पार्टनर को कोई लाभ हो सकता है, या तो उनको नई जॉब का ऑफर मिल सकता है, आपके पार्टनर का चयन बड़े प्रोजेक्ट में हो सकता है, आपके पार्टनर का कोई सरकारी रुका हुआ काम आपके पार्टनर से के नाम से बन सकता है, या आपके पार्टनर को एटलीस्ट पिता से कोई लाभ प्राप्त होगा। तो कुल मिला के आपके पार्टनर के लिए ये सप्ताह तो भी लाभकारी है। करियर के बारे में अगर हम बात करें तो करियर में आपकी मशीनरी, काम की मशीनरी, कंप्यूटर, लैपटॉप इस सप्ताह उस पर आपका खर्चा आ सकता है। नए काम के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है, नया काम आपको नहीं करना है, नहीं तो आपको नुकसान होगा, याद रखिएगा इस सप्ताह। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की, तो मकर राशि के लिए सबसे पहले उनकी हेल्थ के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपकी हेल्थ नॉर्मल है, लेकिन आपकी खाने पीने का रूटीन इस सप्ताह बिगड़ सकता है। आप बाहर का खाना ऑनलाइन ऑर्डर करके ज़्यादा खा सकते हैं, जिस वजह से पेट पे लोड पड़ सकता है, और मित्रों के साथ में ड्रिंक आप ज़्यादा कर सकते हैं, स्मोकिंग ज़्यादा कर सकते हैं, उस पर आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि शनि जब भी द्वितीय भाव में पड़ते हैं यानी टेस्ट में बैठते हैं तो आदमी बाहर का खाना ज़्यादा खाता है। आप फाइनेंस के बारे में बात करें तो फाइनेंस इस सप्ताह शनि वक्री है, फाइनेंस बहुत अच्छा है, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, आपको बस कॉल करने की जरूरत है, और आपका जो धन नहीं दे रहे हैं वहां पर आपको कॉल प्रयास करने की जरूरत है, आपको धन लाभ होगा, साथ ही साथ पुराना कोई क्लाइंट उठ के आएगा वो आपको अच्छा खासा धन लाभ दे सकता है, यानी ये सप्ताह अचानक धन लाभ मकर राशि को मिलेगा। साथ ही साथ देखा जाए रिलेशनशिप के बारे में तो शुक्र और बुध दोनों ही बैठे हुए हैं, पहला आपके पार्टनर को नई जॉब का, नए काम का ऑफर मिल सकता है, इस सप्ताह आपका पार्टनर कुछ पढ़ने वाला है, उसके योग नजर आ रहे हैं, पार्टनर पूजा
पार्ट में भी शरीक रहेगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो पार्टनर आपको कोई संतान से संबंधित या परिवार से संबंधित कोई खुशखबरी भी देने वाला है, यानी इस सप्ताह रिलेशनशिप अच्छा है। करियर के बारे में अगर हम बात करें तो करियर के लिए ये सप्ताह नॉर्मल रहेगा, यानी कि पहला तो काम के लिए भी आपके लिए नॉर्मल रहेगा, ठीक है ना, डील के लिए भी आपके लिए नॉर्मल रहेगा, यानी करियर में सब कुछ नॉर्मल है, कोई नया चेंज नहीं है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की, तो ये सप्ताह सबसे पहले लगन में शनि वो भी वक्री हैं, तो हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, आपके अंदर नया पढ़ने लिखने का शौक जागृत होगा, कुछ नया चीज़ सीखने आप इस सप्ताह सीखने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। आपका फोकस अपने रिलेशनशिप को बचाने में भी रहेगा इस सप्ताह। इस सप्ताह आपका पार्टनर क्या कर रहा है, अपने पार्टनर पे आप ध्यान देने वाले हैं और रिलेशनशिप को सुधारने वाले हैं। साथ ही साथ फाइनेंस के बारे में बात करें तो फाइनेंस के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा नहीं है, यानी धन का फ्लो तो नॉर्मल है लेकिन भीड़ भाड़ वाली जगह पे आपकी कोई वस्तु चोरी हो सकती है, कोई वस्तु गुम हो सकती है, ऐसा योग इस सप्ताह बन रहा है, यानी आपको थोड़ा सावधानी रहने की ज़रूरत है कुंभ राशि को। साथ ही साथ रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप में सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है, यानी आपके जो पार्टनर है उनको करियर में कुछ लाभ या सरकारी लाभ या अपने पिता से कोई लाभ इस सप्ताह मिलने वाला है, यानी इस सप्ताह आपके पार्टनर के प्रोफेशन के लिए ये सप्ताह अच्छा है और रिलेशन तो आप इस सप्ताह ठीक करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ करियर के बारे में कुंभ राशि की बात करें तो यहाँ पर आपका रोचक योग एक्टिव है, तो इस सप्ताह देखा जाए तो आपकी विजय होगी, आप ऑफिस के अंदर क्लाइंटों में छाए रहेंगे, नया काम आपको मिल सकता है। हाँ, आपको ट्रैवलिंग इस सप्ताह बाजार की या दूसरे संस्थान की, दूसरे इंस्टीट्यूट की करनी पड़ सकती है, लेकिन ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा, आप जो प्रोजेक्ट प्रस्तुत करेंगे क्लाइंट के बीच में उसकी सराहना होने वाली है, यानी कुंभ राशि के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है। बात करें मीन राशि की तो मीन राशि के इस सप्ताह अचानक पैर में या हाथ पैरों में चोट लगने की संभावनाएं बन रही है, हल्की गले की एंटी की प्रॉब्लम इस सप्ताह रहेगी, हेल्थ के लिए ये सप्ताह अच्छा नहीं है। फाइनेंस में देखा जाए तो डॉलरों में इनकम क्रय विक्रय से आपको इनकम प्राप्त होगी, मार्केटिंग करने से आपको लाभ होगा, यदि आप काम को बढ़ाना चाहते हैं, अच्छा धन लाभ करना चाहते हैं तो अपने काम का आपको मार्केटिंग करनी ही पड़ेगी, ये सप्ताह उस काम के शुभारंभ के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि मंगल मेष राशि में बैठे हैं। साथ ही साथ रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपका पार्टनर आपसे नाराज भी रहेगा, आपके पार्टनर और आपके बीच में मन मुटाव हल्के फुल्के होंगे, कभी आप नाराज रहेगा, कभी सॉल्व होगा, यानी ऐसा रहेगा। साथ ही साथ आप और पार्टनर शॉपिंग भी करने जाने वाले या मॉल घूमने जाने वाले हैं, लेकिन वहाँ भी आपकी वाद विवाद चालू ही रहेंगे, यानी इस सप्ताह दाम्पत्य जीवन के लिए प्लस माइनस रहेगा। करियर के बारे में बात करें तो इस सप्ताह नया प्रोजेक्ट चेंज हो सकता है, नया कुछ अपडेट सीखने को आपको करियर में मिल सकता है, नई चीज़ आपको सीखने को इस सप्ताह मिलेगी, यानी यह सप्ताह आप करियर में बिजी रहने वाले हैं। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, जय माता दी।